सेप्टेम्बर के मंथ में तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डीले फर्स्ट क्वेश्चन इज वेन अफ लाइट एंटर अ ग्लास्ट लैब जब एक लाइट रे ऑफ लाइट जब स्लैब के अंदर एंटर करती है तो इनमें से कौन सा पैरामीटर चेंज होता है और कौन सा पैरामीटर चेंज नहीं होता सो so, देखिए सबसे पहली बात ओनली फ्रीक्वेंसी चेंज फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी चेंज फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज एंड लास्ट वन इज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ चेंज फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स की प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स की प्रॉपर्टी इट विल नॉट डिपेंड ऑन द आई शुड से दैट ये डिपेंड नहीं करेगी किसके ऊपर मीडियम के ऊपर इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स तो यहां पर फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट है फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी चलिए क्वेश्चन नंबर टू अजन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद ऑफ ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड एंड द बॉल विल रीच द हाईएस्ट पॉइंट इन देखिए अब यहां पर वी हैव द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट इज टू यू अपॉन जी फॉर्मूला होता है टू यू अपन जी और जब लाइट सॉरी <coughs> जब बॉल ट्रेवल करेगी तो बॉल की जो स्पीड हमें गिवन है इज टू मीटर पर सेकेंड ये टोटल टाइम ऑफ लाइट है ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक बट हमें सिर्फ और सिर्फ एक तरह का डिस्टेंस निकालना है एक तरह का टाइम निकालना है द बॉल विल रीच द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी ग्राउंड से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक तो इवेंचुअली हमें निकालना है यू अपॉन जी ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू जी तो कितना आ जाएगा आपके पास टू पॉइंट फाइव टू सेकेंड और केवल एक ही ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन 1 kilowatt hour this is the unit of electrical energy eventually energy is power into time and i call it energy as joule when it is watt into second both the si unit it will be joule when it is watt into second so what we do is eventually वाट को अगर मैं चेंज कर देता हूं किलो में और इसको चेंज कर देता हूं आर्स में तो जूल की फॉर्म में निकालना वन किलो वाट इज टेन की पावर थ्री वाट मल्टीप्लाई वन आर इज थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड सो दिस कैन बी रिटर्न थर्टी सिक्स टेन रिज टू दावर फाइव जूल मीन वन किलो वाट आह, it has been asked so many times, बहुत बार पूछा जा चुका है, आप इसको याद कर लीजिए, B is the correct option. B जो है आपके पास, that is the correct option. Next, when sound waves are propagated through a medium, the physical quantity, a quantity transmitted is only energy is transmitted. साउंड वेव इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव इट विल रिक्वायर्ड मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन सो द मीडियम नीड्स टू हैव सर्टेन प्रॉपर्टी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक बट दैट इज नॉट आस्क इन दिस क्वेश्चन हमें सिर्फ इतना बताना है कि क्या चीज ट्रांसफर होगी मैटर ट्रांसफर नहीं होता है इट्स ओनली द एनर्जी इट इज द एनर्जी केवल एनर्जी प्रेशर इज अकेल क्वाज प्रेशर इज फोर्स अपन एरिया एंड इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्निट्यूड जनरली डॉट रिक्वायर्ड द डायरेक्शन डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट्यूड तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन पर्सन इज अनेबल टू रीड अ न्यूजपेपर विदाउट हिस् ग्लासेज ही प्रॉबेबली If somebody is not able to read the newspaper correctly, like this, it means he is not able to see the object near to his eyes. And that generally found in hypermetropia. Hypermetropia. Far sightedness. Far sightedness this can be corrected by convex lens this can be corrected by convex lens convex lens is the free fall acceleration g increases as one proceed at the sea level from the equator toward the either pole the reason is when we move from equator to either pole

I am sorry, I have this is not like this. It is R equatorial is R polar plus 21 kilometer. R equatorial is R polar plus 21 kilometer. D is the correct option. No, 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 not D. C is the correct option. Approximately, yes, equatorial radius is greater than that. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट लेट मी डाट कम डायरेक्ट टू द्वेश्चन बट दिन ओनली मेजरिंग दिल नॉट मेजर द मासक्ट वन इज डी आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है डी इज द करेक्ट ऑप्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्टेक्ट फोर्स अफकोर्स इट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स वी कैन स्टिल एबल टू कैलकुलेट फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन हम सन और अर्थ के बीच फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन सन और अर्थ कभी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं आते तो ग्रेविटेशनल फोर्स पहना फोर्स ऑफ वन न्यूटन एक्ट ऑनासबल टू मूवी दूव इन द डायरेक्शन विद कितना हमारे पास जनरली एफ एज एम ए विल बी एफ अपॉन एम एफ अगर वन न्यूटन है तो मास कितना होगा किलोग्राम न्यूटन को आप चेंज करोगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर वन किलोग्राम किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच वन ऑफ द फोलोइंग आइटम इज यूज इन द हाउस होल्ड वायरिंग टू प्रीवेंट एक्सीडेंटल फायर इनकेस ऑफ शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट के केस में अगर हम चाहते हैं कि एक्सीडेंटल फायर ना हो तो हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूज का यूज करेंगे इट बेसिकली वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है इट बेसिकली वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ठीक है जी तो जैसे ही करंट एक ऑप्टिमम वैल्यू से ज्यादा आएगा इट विल मेल्ट इट विल मेल्ट इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट गिवन पोजिशन इज कॉन्स्टेंट सी ऑप्शन डायरेक्ट क्वेश्चन है नोट बहुत बार कराता भी क्लास में ये हाउ इज द कानेटिक एनर्जी फॉर मुंग बॉडी अफेक्टेड इेटवर्क दॉसिबल इट्स पॉजिटिव ये पॉसिबल नहीं है ये है पॉजिटिव पॉजिटिव फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम From Work Energy Theorem Work Energy Theorem Work Done Work Done is equals to Change in काइनेटिक एनर्जी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है तो W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी वन एंड हमें बताया गया अगर वर्क डन पॉजिटिव है काइनेटिक एनर्जी टू और वन का मतलब है हाफ एम वी टू स्क्वायर वी वन स्क्वायर अगर ये पॉजिटिव है इफ दिस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव अगर ये पॉजिटिव आया है इट मीन्स दैट v2 टू इज ग्रेटर देन तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी चलिए नेक्स्ट अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एस एच एम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सेलरेशन इट इज मिनिमम व्हेन द स्पीड इज मैक्सिमम जब स्पीड मैक्सिमम है मिनिमम है इट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ़ ऑसिलेशन, एंड नो इट इज ऑलवेज ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ़ वेलोसिटी, एंड थर्ड इट द पोटेंशियल एनर्जी देखिए सबसे पहली बात ऑलवेज ऑपोजिट वेलोसिटी उधर है एक्सिलरेशन उधर लगेगा उधर एक्सेलरेशन उधर लगेगा तो so, याद रखें इट इज ऑलवेज ऑपोजिट ए ऑप्शन फॉलोइंग फोर पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट एक्स एन एक्सलेन एक्स रिलेटेड एज दिस देखिए सबसे पहले यू शुड नो अबाउट द डिस्प्लेसमेंट फॉर एस एच एम सिंपल हारमोनिक मोशन वाई इज ए साइन ओमेगा विच इज डी वाई अपॉन डी टी या आ जाएगा एमेगा कॉस ओमेगा टी ए विच इज डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर और डी वी बाई डी टी माइनस एमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी और यहां से माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इवेंचुअली एज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इफ यू कंपेर इट विद दिस नो क्योंकि प्लस है स्क्वायर है नो no, स्क्वायर है नो दिस इज द करेक्ट तो किस फॉर्म का है डी फॉर्म का है आप वाई की जगह एक्स ले सकते हैं मैंने वाई लिया है आप एक्स ही लीजिए उसी से आंसर जो है वो ठीक आएगा ठीक है चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इफ यू प्लॉट अ वॉल्यूम एंड इनवर्स ऑफ पी देखिए जी जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए हमारे पास फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी अब कांस्टेंट टेम्परेचर है साफ साफ मेंशन है व्हाट कांस्टेंट टेम्परेचर बहुत ही तरीके से तो इसका मतलब पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट. पी वी जो है वो कांस्टेंट है वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और जब पी वी कॉन्स्टेंट है तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी इट मींस दैट वेन यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड वन अपॉन पी इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जब आप वी और वन अपॉन पी के बीच तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन ग्राफ आई ठीक है चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द लास्ट वन, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन अ मीडियम डिपेंड बोथ ऑन इलास्टिक एंड इनर्शियल प्रॉपर्टीज दोनों पे डिपेंड करेगा दोनों पे डिपेंड करेगा इनर्शियल पे भी और इलास्टिक पे भी तो डी करेक्ट है डी ऑप्शन इज द करेक्ट न ऑफ द फोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अगेन द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू साउंड इनमें से कौन सा सही नहीं है जो साउंड की जो लाउडनेस है दैट इज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी इट डिपेंड ऑन एम्प्लीट्यूड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगी फ्रीक्वेंसी पे क्या चीज डिपेंड करती है पिच पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी सो विच वन इज रॉन्ग बी बी ऑप्शन इज रॉन्ग अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एम्पलीट्यूड ऑफ टू सेंटीमीटर वी आर गिवन विद एम्पलीट्यूड हमें एम्पलीट्यूड गिवन है हमें जो है एम्पलीट्यूड गिवन है वी आर ए सेंटीमीटर। वी आर गिवन विद डिस्प्लेसमेंट वन सेंटीमीटर फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यानी कि वन इज इक्वल टू टू साइन ओमेगा टी। और यहां से साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है वन बाय टू तो ओमेगा टी कितना आ जाएगा फाइव बाय सिक्स थर्टी डिग्री अब कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ विलोसिटी एंड एक्सिलरेशन आर इक्वल विलॉसिटी और एक्सीन का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है ए एमेगा साइन इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी यहां पर साइन ओमेगा टी नहीं आएगा यहां पर आएगा कॉस ओमेगा टी ओमेगा टी की वैल्यू रखिए तो ये आ जाएगा आपके पास A कितना है वन ओमेगा नहीं पता कॉस पाई बाय सिक्स रूट थ्री बाय टू इज इक्वल टू ए वन ओमेगा स्क्वायर नहीं पता ये कितना आ जाएगा वन बाय टू कैंसिल एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल ओमेगा की वैल्यू आई है रूट थ्री टाइम पीरियड की वैल्यू होती है टू पाई अपॉन ओमेगा तो कितना आ जाएगा टू पाई अपॉन अंडर रूट थ्री टू पाई अपॉन अंडर रूट थ्री यह आंसर है टू पाई थ्री ऑफ करेक्ट गामा की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है एक्सरे से बिल्कुल गलत गामा की सबसे कम होती है फिर गामा फिर एक्सरे फिर यूवी फिर विजिबल देन इन्फ्रारेड, देन माइक्रोवेव देन रेडियो ये होता है तो गामा की सबसे कम होती है इफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट एंड देन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस पोल एंड फोकस ये आपके पास कनकेव मिरर है ये प्रिंसिपल एक्सेस है ये पोल है ये फोकस है अब मैंने क्या किया ये रहा ऑब्जेक्ट पहली रे गई ऐसे दूसरी रे गई ऐसे ठीक है नो 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 दोबारा करते हैं कंकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सेस पोल फोकस ऑब्जेक्ट पहला रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे दूसरा रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे वी गॉट एन इमेज लाइक दिस, ऐसे इमेज मिलती है तो पोल और क्योंकि सेम है तो स, मतलब ऑपोजिट साइड है तो वर्चुअल है वर्चुअल है तो इरेक्ट है मैग्नीफाइड तो है मैग्नीफाइड है तो बी वेन थ्री रजिस्टर हैविंग है आर आर कनेक्टेड इन पैरल तीन रजिस्टर हैं तीन रजिस्टर हैं और तीनों का रेजिस्टेंस आर है पैरेलल में कनेक्टेड है जब तीन रजिस्टर है जिनका रेजिस्टेंस आर और पैरेलल में कनेक्टेड है तब आपके पास इक्विवेलेंट आता है थ्री जो यहाँ पर है एक्स के इक्वल आर अपॉन थ्री इज इक्वल टू एक्स तो आर है थ्री एक्स अब तीनों अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं अगर तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो आर प्लस आर प्लस आर थ्री आर थ्री इंटू थ्री एक्स कितना हांजी द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज इन दूस वायर ही इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रोसेक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ नो रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किस पर ओनली द नेचर ऑफ द मटीरियल नो लेंथ नो एरिया टू बॉल्स ए एंड बी आर थ्रोन साइमल्टेनियर्टिकली अपार्ड विदीड ऑफ ए वर्टिकली अपार्ड विदीड ऑफ ट्वेंटी मीटर से ग्राउंड एंड बी वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम हाइट फोर्टी मीटर विद द सेम स्पीड एंड अलॉंग द सेम लाइन ऑफ मोशन अब ए को जो है नीचे से ग्राउंड की तरफ चलो सबसे पहले अगर मैं ए के रिस्पेक्ट बात करूं दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन चलो देखो अगर मैं विद रिस्पेक्ट बात करूं मेरे पास वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड तो ए की मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा ए 400 अपॉन 2 into 10 यानी कि 20 मीटर की हाइट अटेन करेगा 20 मीटर तक ही ए जा पाएगा उसके बाद वो नीचे आ जाएगा समय कितना लगेगा t टू ऊपर तक जाने में u upon g u कितना है 20 तो दो सेकंड उसको ऊपर तक जाने में लगेंगे अब आ जाइए b के पास b को नीचे तक आने में कितना समय लगेगा u upon g कितना u वी डोंट नो हाइट कितनी है 40 मीटर हाइट कितनी है चालीस मीटर सेम स्पीड है तो यू को नीचे तक कितना समय लगेगा दो सेकेंड आप थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ आ जाइए कहते हैं द बॉल विल कोलाइड आफ्टर तीन सेकंड तीन सेकंड का मतलब क्या है भाई चार से दो सेकंड का मतलब है ऊपर जाके फिर नीचे पॉइंट तक आ गया है दो सेकंड का मतलब जो ए है वो मैक्सिमम हाइट तक है और बी ग्राउंड पे तो वहां नहीं टकराएंगे दो पे नहीं टकराएंगे तीन पे नहीं टकराएंगे पांच सेकंड तो बात ही नहीं बनेगी कब टकराएंगे एक सेकंड इट्स वेरी सिंपल जस्ट वन सेकेंड एक सेकेंड में दोनों टकरा जाएंगे भाई एक को मैक्सिम हाइट से ग्राउंड तक आने में दो सेकेंड का समय लग रहा है एक को नीचे से ऊपर तक जाने में दो सेकेंड का समय लग रहा है तो वो एक सेकेंड के बाद ही टकराएंगे तो दिस इज द करेक्ट वन सी ऑप्शन आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे नहीं हुए तो दोबारा देखिए एंड इफ यू आर न्यू टू दैनल डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब इट बिकॉज काफी कुछ हो रहा है यहां पर दैट विल हेल्प यू इमेंसली सो विद दैट दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप स्टडिंग कीप वर्किंग आर थैंक यू सो मच जय हिंद